है गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बीइंग ऑन टीवी। मेरा नाम अनवेश कुमार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप आपके आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कैसे कर पाएंगे थ्रू आई मोबाइल। अगर दोस्तों आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के पहुंचता है, आपको नहीं पता किस तरह से पिन जनरेट किया जाता है, तो ये वीडियो आपने सही चुना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी मिलने वाला है किस तरह से आप पिन जनरेट कर पाएंगे। सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो के एंड में आपको लगे कि वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर लेना, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए चैनल में। अगर बीइंग ऑन टीवी यूट्यूब चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, हमारा मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, डिटेल्स में देखते हैं किस तरह से आप पिन जनरेट कर पाएंगे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का। सो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको पहले आई मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना होता है। आई मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप जनरेट कर पाएंगे पिन अगर आपके पास न्यू आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आके पहुँचता है। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन कर लीजिए आपके अकाउंट पर। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे दोस्तों आप देखिए मी फेवरेट्स स्कैन टू पे ऑफर्स सर्विसेज लिखा है, आपको सर्विसेज ऑप्शन को चूज़ करना है। सर्विसेज ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस, आपको फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो कि है कार्ड पिन सर्विसेस। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड पिन जनरेशन क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड पिन जनरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड पिन जनरेट में अभी करूँगा तो मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपको सेम पूछा जाएगा, दोनों के लिए दोस्तों सेम है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के लिए, सिर्फ आपको चूज़ करके जाना है नेक्स्ट फॉर्म पर, जो कि आप देख सकते हैं जनरेट डेबिट कार्ड पिन, इस तरह से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका सिलेक्ट अकाउंट नंबर पूछा जाएगा तो सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड नंबर चूज़ करना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप आपका डेबिट कार्ड नंबर चूज़ कर लीजिए, जो कि दोस्तों बाय डिफॉल्ट जनरेट होने के बाद आपको यहां पे शो कर देगा। एक तो दोस्तों आपका ओल्ड डेबिट कार्ड रहेगा जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और दूसरा जो न्यू आपके पास आके पहुंचा होगा वो भी आपको यहां पे लिस्ट होके आ जाएगा। सारे दोस्तों मास्ट होगा, सिर्फ आपको दो लास्ट डिजिट नंबर ही देखने को मिल जाएगा, तो वो डेबिट कार्ड को आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना होता है। मैं सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों आपको उस कार्ड का CVV नंबर मांगा जाएगा, तो आप CVV नंबर डाल दीजिए जो कि आपको कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं CVV नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको आपका पिन डालना होता है डेबिट कार्ड का, जो आप 4 डिजिट पिन देना चाहते हैं। फिलहाल मैं ऐड कर लेता हूं। कंफर्म डेबिट कार्ड पर क्लिक करके भी आपको दोबारा से वो पिन को एंटर करना होता है। उसके बाद दोस्तों सबमिट बटन एनेबल हो जाएगा, आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रिड कंफर्मेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डेबिट कार्ड का पीछे दिए गए कुछ नंबर्स डालना होता है, जो कि आप देख सकते हैं आपके डेबिट कार्ड में ABC होके कुछ इस तरह से नंबर्स 2 डिजिट का अवेलेबल होगा इच लेटर पे। आपको दोस्तों पर्टिकुलरली उस लेटर का नंबर यहाँ पे डालना होता है जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरा CIN शो कर रहा है, आपको कुछ और भी लेटर शो करता होगा। अगर आपको कुछ और लेटर शो करेगा तो उस लेटर का नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। फिलहाल मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा नोट पे योर पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों आपको मैसेज भी आ जाएगा, डेबिट कार्ड का पिन आपका सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अगर दोस्तों क्रेडिट कार्ड करेंगे, इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपके आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर पाएंगे आई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए। आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आप चाहें तो आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। अगर आप हमारे बीइंग ऑन टीवी यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर न्यू वीडियो का। आप चाहें तो हम सोशल मीडिया साइट्स भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा बिजनेस ईमेल आईडी है bingunity@gmail.com, आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नया वीडियो लेकर। आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग ऑन टीवी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।